हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है और एक्सेस के ऊपर कभी कभी एक ऐसा प्रोजेक्ट आपको दे दिया जाता है जिसे कहा जाता है कि आप एसक्यूएल क्वेरी बना करके ये प्रोजेक्ट मुझे करके दिखाइए। तो एसक्यूएल क्वेरी बना करके कैसे आप करेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2007 ही ओपन करता हूँ, ठीक है। ये 2007 है क्योंकि ज़्यादातर लोग यही यूज करते हैं और यहाँ से चलना है ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको नया डेटाबेस मिल जाता है, क्रिएट पर कर दीजिएगा क्लिक। अब यहाँ पर चूंकि एसक्यूएल व्यू का यूज करना है तो इसे क्लोज करना होगा और क्लोज करके हमें सीधे कहाँ चलना है, क्रिएट पर और डिजाइन व्यू पे चलना है, क्वेरी डिजाइन पे चलना है और यहाँ पर क्लोज कर देना इसे। अब यहाँ पर मिलता है एसक्यूएल, तो बस यहीं पर आ जाना है। अब एक एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो हमें यहाँ एक टेबल बनानी है, तो क्या लिखना पड़ेगा, क्रिएट टेबल इस तरीके से लिखना पड़ेगा और टेबल का नाम है प्रोडक्ट टी कर देते हैं, तो प्रोडक्ट टी नाम से टेबल बन रही है। अब इसमें सबसे पहले आएगा प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, तो ये लिख दिया प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी। और मान लीजिए इसे प्राइमरी की बनाना है तो यहाँ प्राइमरी की बनाने का क्या वे हो सकता है, तो यहाँ लिखेंगे नॉट नल, खाली नहीं छोड़ सकते, और यहाँ लिख दीजिएगा प्राइमरी की है तो आप इसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, खाली नहीं छोड़ सकते। और यहाँ पे कर दीजिएगा नेम ऑफ प्रोडक्ट, नेम अंडरस्कोर लगा के लिखिएगा, ठीक है, ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट, तो ये हो गया नेम ऑफ प्रोडक्ट। अब नेम ऑफ प्रोडक्ट लिखने के बाद इसका डेटा टाइप आएगा, तो इसका डेटा टाइप आप मेंशन कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमने डेटा टाइप अभी मेंशन नहीं किया, तो यहाँ पर भी डेटा टाइप को मेंशन करना बहुत जरूरी क्योंकि इसके बगैर आप चला नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा टाइप जरूर मेंशन कर दीजिएगा और गैप दे दीजिएगा इस तरीके से। और अब यहाँ पर भी डेटा टाइप मेंशन करना है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेयर कैर, ठीक है। अब कैर और वेयर कैर में डिफरेंस होता है और ये काफी बार पूछा भी जाता है, तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो क्रिएट किया, मैं आपको बता भी देता हूँ। देखिए, कैर जो है ना, जैसे वेयर कैर है तो ये 20 है और आपने सिर्फ 5 ही जो है स्पेसेस जो आप इसके ब्लॉक्स बने, जैसे ये 20 ब्लॉक्स बनेंगे, यहाँ 20 लिखने का मतलब 20 ब्लॉक्स, हर एक ब्लॉक में एक एक कैरेक्टर आएगा, तो अगर आपने 5 ही ब्लॉक यूज किए तो बाकी के 15 जो ब्लॉक हैं वो वेयर कैर में फ्री हो जाते हैं और कैर में ये फ्री नहीं होगा, आपको पूरा ही मतलब ब्लैंक स्पेस से भर जाए, स्पेस से भरा रहेगा वो, आप यूज करिए ना करिए वो आपकी मेमोरी को कंटेन करता रहेगा, तो ये डिफरेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके प्राइस की बात कर लेते हैं, तो प्राइस कौन सा डेटा टाइप होगा, यहाँ पर हो जाएगा फ्लोट डेटा टाइप, ठीक है, फ्लोट कर दिया। अब ये देखिए, इसमें आपको अलग अलग डेटा टाइप के बारे में भी जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। ये फ्लोट डेटा टाइप हो गया और फ्लोट करने के बाद यहाँ पर यूनिट करेंगे, यूनिट को भी हम क्या रख देते हैं, फ्लोट डेटा टाइप, ठीक है। इतना लिख करके आपको यहाँ पर टर्मिनेट करना है, तो आपकी एक टेबल जो है बनती हुई नजर आएगी। एक बार देखते हैं, चेक करते हैं कि टेबल बन रही है या नहीं बन रही है। ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो क्लोज भी कर दीजिएगा और तब यहाँ से रन करवाइएगा। तो रन करवाते ही यहाँ पे देख सकते हैं ये टेबल क्रिएट हो गई। आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पे डेटा फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इंसर्ट इनटू का कमांड यूज करके और इसमें डेटा फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू का यूज करेंगे तो भी डेटा फिल हो जाएगा। चलिए हम यहीं से कर लेते हैं, 1 कर दिया, यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट में कर देते हैं, लाइक कीबोर्ड कर देते हैं कीबोर्ड, ठीक है। और यहाँ पे इसकी प्राइस कर देते हैं 300 रुपए और यहाँ पे यूनिट कर देते हैं 6। तो यहाँ पर अभी टोटल हमें दिखाई नहीं पड़ेगा, टोटल तो हमें करना होगा, टोटल कैसे करना है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे माउस कर देते हैं, हम मोबाइल की बात आएगी, तो यहाँ पे इस तरीके से ये डेटा कुछ हमने फिल कर दिया। आप चाहे तो क्वेरी लगा के डेटा फिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इस क्वेरी को सेव करूंगा प्रोडक्ट क्यू के नाम से, क्योंकि इसी से प्रोडक्ट की टेबल बनी हुई है, तो प्रोडक्ट क्यू के नाम से सेव कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों को क्लोज करना होगा, तो यहाँ से इसको सेव करके क्लोज कर देना है और इसको भी सेव करके, और तब देन यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो ये क्लोज कर दिया। अब एक न्यू क्वेरी हमें बनानी होगी, ये क्रिएट पे जाना है और फिर यहाँ से क्वेरी डिजाइन पर। जैसे ही क्वेरी डिजाइन पे जाते हैं तो इसे क्लोज कर दीजिएगा और यहाँ एसक्यूएल पे आ जाएगा। अब यहाँ सेलेक्ट आ रहा है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, किसको सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट यहाँ पे हमें देखना होगा कि फील्ड्स कौन कौन से हैं। तो प्रोडक्ट आईडी है, नेम ऑफ प्रोडक्ट है, जो जो फील्ड्स हैं उन्हीं को सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट आईडी है, तो PRODUCT प्रोडक्ट, और फिर यहाँ पे अंडरस्कोर लगा के आईडी, फिर यहाँ कॉमा लगाएंगे, नेम ऑफ प्रोडक्ट, नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट, ठीक है, नेम ऑफ प्रोडक्ट हो गया, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर अगला क्या है, यहाँ पे देखिए प्राइस है, यूनिट है, तो यहाँ से प्राइस करेंगे PRICE प्राइस कॉमा यूनिट UNIT, ये हो गया। और इतना करने के बाद यहाँ कॉमा लगा करके फिर हमें क्या करना है, प्राइस मल्टीप्लाई बाई यूनिट, प्राइस मल्टीप्लाई बाई यूनिट कर देंगे यहाँ पे। तो ये कर दिया हमने, और इसको एक फील्ड को नाम दे दिया एज टोटल, कर दिया टोटल, इस फील्ड को क्या नाम दिया, टोटल। तो बस इतना ही करना है, और यहाँ पर और एज टोटल देकर के यहाँ लिखेंगे फ्रॉम और टेबल का नाम दे देंगे प्रोडक्ट
टी, यही टेबल का नाम है, तो जो टेबल का नाम है वही आपको देना है। और साथ ये देखिए ये हो गया गड़बड़, एफ आर ओ एम फ्रॉम होगा, मैं इसे सही कर देता हूँ, ये एज टोटल और यहाँ पे कर देंगे एफ आर ओ एम फ्रॉम प्रोडक्ट टी। अब यहाँ से रन करवाएंगे इसको तो ये रन हो जाएगा और यहाँ पे टोटल भी होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके का कोई भी प्रोजेक्ट दिया जाए तो आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।